एफर्ट यहाँ पे इतना उंदा लगाया गया है कि अब क्या ही बोला जाए। फिलहाल यहाँ पे मॉली थ्रो कर चुके हैं, ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं। लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि 30 सेकंड का समय आपके पास बच रखा है और ऊपर से पांचवे सर्कल का डैमेज में आप बिल्कुल भी नॉकआउट नहीं होना चाहेंगे। शैडो की तरफ से भी यहाँ पर कोशिश, लेकिन रॉक्स आई गेस वो आखिरी खिलाड़ी का कंफर्मेशन निकाल के टीम सोल पांचवा फिनिश और टॉप 10 में अपने आप को लेकर आ जाती है। यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर जोन के अंदर में हाइट एडवांटेज का आप काफी देर से फायदा उठा रहे थे, स्मोक पास क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन टीम सोल की नजर से और बाकी और भी जितनी भी टीम है कैमिन और एफएल उनकी नजर से आपको बच पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले फिनिश पॉइंट में देखा कि सोल वाइपर की तरफ से क्लच देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे ग्रेनेड के साथ वो चीजें अपने एंड से करके दिखाने में कामयाब हो पाए। तो बिल्कुल यहाँ पे सोल से अच्छा ओपन द चैट गाइस, क्योंकि फाइनली वो जो फॉर्म की बार है वो यहाँ पे देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है। 12 को फिलहाल यहाँ पे और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे और सही मौके आने पे थर्ड पार्टी वहां पर करेंगे उन टीम के ऊपर। बिल्कुल ये जी यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे बात करें 24,000 लाइक हो चुके हैं, लगभग 40,000 के आसपास लोग देख रहे हैं। तो मेक श्योर गाइज वहाँ पे जो ट्राई करना है वो करना है कि 30,000 से ज्यादा लाइक हमारे हो जाना चाहिए इस मैच के दौरान। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि 3,00,000 के क्लोज आ चुके हैं गाइज। तो आप एक बार सब्सक्राइब का बटन देखिए, अगर वो रेड नहीं है, रेड है तो उसे आप दूसरे क्लन उसे लेके आ जाइए और ट्राई करिए कि वो चुके कि लग तो रहा है कि चिकन की तरफ यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। और उसके लिए सर्कल का एडवांटेज भी टीम सोल के पास जा चुकी है। यहाँ पे बात करें तो वीरू अपने एंड से यहाँ पे वो हर एफर्ट लगा रहे, देखिए 13 फिनिश है जिसमें से 5 फिनिश तो वीरू के, 4 फिनिश यहाँ पे वाइपर के एंड बाकी के फिनिशेज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट एंड रॉक्स की तरफ। यहाँ पे बात करें तो जरूर से डिस्ट्रीब्यूटर लोग को होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो ये दो प्लेयर्स की तरफ से एफर्ट देखने को मिला है वो फिनिश फील्ड के फिनिश में यहाँ पे बात करें इजाफा, लेकिन यहाँ पे बात करें तो वीरू ऑफ गार्ड पाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात रही कि वो हल्का सा यहाँ पे डिप मिल गया, डार्क क्लाउड को फ्लैट डाउन करेंगे कैमरी स्पोर्ट्स के अच्छे, तो इससे मौके का फायदा यहाँ पे टीम सोल उठाना चाहते हैं। पीछे से यहाँ पे बात करें तो बैक स्टेप करने की कोशिश थी, लेकिन अब एंगल बहुत क्लियर है, कैमरी स्पोर्ट्स को आगे आना पड़ेगा और वीरू यहाँ पे अलाउ नहीं करने वाले। कुछ समय पहले बात करें तो ये भी उनके एंड से थे, लेकिन आज उनके जब सामने यहाँ पे उनके अगेंस्ट है तो देखने वाली बात होगी वीरू के लिए चीजें कितनी आसान होगी। स्पॉट कर चुके यहाँ पे, स्प्रे करेंगे प्रोन स्प्रे अक्षत की तरफ से, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं, न्यू प्लेयर को यहाँ पे डाउन करते के साथ ही अपने आप को रिपोजिशन करते हैं, फिनिश ऑफ भी करना ये रिस्की था लेकिन कामयाब करेंगे। अक्षत को भी यहाँ पे टेक डाउन कर चुके हैं वीरू, आर यू किडिंग मी, यहाँ पे एक एक करके प्लेयर को नॉक आउट करते चले जा रहे। बर्थडे बॉय अपना गिफ्ट चाहते हैं, गिफ्ट के नाम पे हैचेकर डिनर करना चाहते हैं और उसके लिए खुद ही एफर्ट यहाँ पे इतना उम्दा लगाया गया है कि अब क्या ही बोला जाए। फिर यहाँ पे मॉली थ्रो कर चुके हैं, ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो करेंगे, क्या ये ग्रेनेड ऑन पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल कैमिन स्पोर्ट्स के रडार पे आ चुके हैं और फिर वो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अक्षत को डाउन किया गया, ओमेगा को डाउन किया गया, माइटी प्लीज उनसे डाउन हुए एंड दूसरे एंगल पे भी जाके यहाँ पे वीरू यू मॉन्स्टर एक के बाद एक यहाँ पे फिनिशेस अपने लिए निकालते चले गए। 7 फिनिशेस